हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेब एफिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे MongoDB में लॉगिन कैसे होता है। दोस्तों, MongoDB डेटाबेस यूज़ करके लारावेल में उसका ऑथेंटिकेशन जो है यूज़र टेबल के साथ कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फ्रेश लारावेल क्लोन जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो ये जो कमांड है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और फ्रेश लारावेल जो क्लोन है दोस्तों यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे सेटअप जो है दोस्तों वो यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे दोस्तों टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं, और टर्मिनल के अंदर ये जो कमांड है वो यहाँ पे मैं फायर करता हूँ। और प्रोजेक्ट जो है दोस्तों यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप पे जो है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट एग्जाम्पल ऐप का फोल्डर यहाँ पे क्लोन हो रहा है, तो उसको पहले क्लोन हो जाने देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लारावेल के अंदर MongoDB सेटअप करने के लिए ये जो पैकेज है वो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वो जो पैकेज है वो भी हम यहाँ पे डालेंगे। और Studio 3T जो है MongoDB का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ से मैनेज होता है टेबल फॉर्मेट में, तो उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और इसके अंदर डेटाबेस जो है यहाँ पे नया क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रॉपरली जो है सेटअप वगैरह सब कुछ जो है दोस्तों यहाँ पे डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे कनेक्शन कनेक्ट कर लिया, MongoDB यहाँ पे कनेक्ट हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जो है ज़ैम्प शायद मैं यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है, तो ज़ैम्प भी स्टार्ट कर देता हूँ। ज़ैम्प स्टार्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दोनों सर्विसेज स्टार्ट कर दिया मैंने। और दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा लारावेल ऑलमोस्ट क्लोन हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अपना प्रोजेक्ट और इसके अंदर एग्जांपल ऐप, और ये जो है दोस्तों यहाँ पे MongoDB का जो पैकेज है वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और दोस्तों ये जो है उसका वर्जन MongoDB का वो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर MongoDB का जो वर्ज़न है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। वर्ज़न इंस्टॉल हो जाने के बाद उसका जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पे हम करेंगे। फिर उसके अंदर जो है जो उसका ऑथेंटिकेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। ये जो है MongoDB का क्लास हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे कन्फिग ऐप डॉट PHP फाइल, और दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट अपने सबलाइम के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। एग्जांपल ऐप का फोल्डर और कन्फिग ऐप के अंदर यहाँ पे दोस्तों जो है ये वाली लाइन में यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखिए, कुछ ऐसे जो है आपको यहाँ पे MongoDB का जो है वो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो है, अगर आपका माइग्रेशंस वगैरह जो है आपको यहाँ पे रन करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे माइग्रेशंस का जो टेबल है उसके अंदर यूज़ माइग्रेशंस करके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो है पहले आपको यहाँ पे ये जो है ऐड करनी है सिंपली। और यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे नीचे आपको ये वाला जो है ऐड कर देना है। दोनों चीज़ दोस्तों आपको कुछ ऐसे जो है सेटअप करनी है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसे आपको यहाँ पर रखना है, और दोस्तों यहाँ पे सेव कर देना है। मतलब माइग्रेशंस रन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर डेटाबेस माइग्रेशंस का जो है यहाँ पे एक आपको जो है नेम स्पेस यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तो वो आप ऐसे कुछ सेटअप कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ENV फाइल के अंदर हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी यहाँ पे सेटअप करना है। इसके लिए दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इससे पहले यहाँ पे दोस्तों डेटाबेस डॉट PHP जो नाम की फाइल है उसके अंदर हमको MongoDB का जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों वो यहाँ पे हमको रखना है सिंपली। तो वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। देखिए, कुछ ऐसे जो है आपको कॉपी करके यहाँ पे डालना है। और दोस्तों यहाँ पे जो है सिंपली ENV फाइल के अंदर MongoDB MyDB कनेक्शन जो है MySQL की जगह MongoDB रिप्लेस करना है। और पोर्ट जो है दोस्तों यहाँ पे 27017 ऐसा कुछ। और डेटाबेस दोस्तों यहाँ पे नया बना देता हूँ। वेब एफ फिक्स
डेमो करके डेटाबेस यहाँ पे बना देता हूँ। यूज़र नेम दोस्तों यहाँ पे मैंने नहीं दिया है और पासवर्ड भी मेरा मोंगो डीबी में ब्लैंक है दोस्तों। यहाँ पे वेब एप फिक्स डेमो, और दोस्तों यहाँ पे जो है एक डेटाबेस जो है मैं नया क्रिएट करता हूँ कुछ ऐसे, वेब एप फिक्स डेमो। इसके अंदर जो है पूरा माइग्रेट करता हूँ अपना प्रोजेक्ट सीडी, और यहाँ पे दोस्तों पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट सिंपली यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना माइग्रेशन जो है रन होके यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, रिफ्रेश ऑल, और दोस्तों यहाँ पे यूज़र टेबल के अंदर जो है हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम पूरा जो है मैं आपको यहाँ पे लॉग इन करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा माइग्रेट हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे सिंपली एक काम करते हैं, लॉग इन करने के लिए हमारा जो यूज़र मॉडल है उसके अंदर हमको यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नेम स्पेस कुछ आपको ऐसे कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि यूज़र मॉडल जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा। देखिए डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल कुछ ऐसे आता है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे ऑथेंटिकेबल यहाँ पे आपको जो है रिप्लेस करनी है, ये वाली जो है हटा देनी है यहाँ से। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपका यूज़र ऑथेंटिकेबल ये सही है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। और दोस्तों यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया। और दोस्तों इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम जो ऑथेंटिकेशन जो है वगैरह करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे काम करते हैं, सबसे पहले एक रिकॉर्ड जो है दोस्तों यहाँ पे ऐड कर देते हैं। रिकॉर्ड ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे यूज़र फैक्ट्री और क्रिएट दोस्तों यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एक रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पीएचपी आर्टिजन डीबी कॉलन, शायद ये वर्क नहीं करेगा, अगर करता है देखिए यहाँ पे कर रहा है वर्क। मोंगोडीबी के अंदर यहाँ पे एक रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ पे ऐड हो चुका है, देखिए कुछ ऐसे जो है दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला हम यूज़ करके एक रिकॉर्ड जो है दोस्तों यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट। और दोस्तों यहाँ पे जो है डेटा वेरिएबल और सिंपली सीडर रन करके एक जो रिकॉर्ड है दोस्तों यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे ऐड हुआ नेम करके, नेम के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ धर्मेश। दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पे ईमेल है, तो ईमेल के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं दे रहा हूँ admin@gmail.com, ठीक है ये दूसरा हुआ। और दोस्तों यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड एट, यहाँ पे दोस्तों एक मॉडल मैं ओपन कर लेता हूँ यूज़र मॉडल, ताकि जो है वगैरह ये जो है सारा कॉपी करने में आसानी रहे। यूज़र वेरीफाइड एट, ईमेल वेरीफाइड एट, तो ये कुछ ऐसे आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है डेट और YMD और HIS कुछ ऐसे, और पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे जो है डिक्रिप्ट BCRYPT उसका कमांड है दोस्तों, और 126 पासवर्ड। और दोस्तों यहाँ पे जो है पासवर्ड नाम की जो कॉलम है उसके अंदर रिकॉर्ड रिमेंबर टोकन जो है यहाँ पे दोस्तों मैं रैंडम स्ट्रिंग कर देता हूँ, और 10 कैरेक्टर जो है दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ लगा देता हूँ, और यूज़ करके स्ट्रिंग जो है दोस्तों यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ये हुआ। और ये जो है एक बार वापस दोस्तों यहाँ पे मैं रन करता हूँ php:dbcolon seed, ओके ये जो स्पेलिंग है थोड़ा गलत है, बिक्रिप्ट कुछ ऐसे आएगा, db:seed वापस रन किया हमने, रन हुआ। और दोस्तों यहाँ पे जो रिकॉर्ड एक जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हम एक फाइल बनाते हैं, राउट बनाते हैं, राउट के अंदर जो है पूरा यहाँ पे सेटअप करेंगे, राउट :\get, और यहाँ पे दोस्तों जो है एडमिन, और उसका व्यू फाइल दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, लॉग इन फॉर्म
ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे किया रिसोर्स के अंदर दोस्तों, यहाँ पे व्यू के अंदर लॉगिन फॉर्म डॉट ब्लैड डॉट पीएचपी फाइल, तो ये जो फाइल है दोस्तों यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो पूरा, यहाँ पे रख देता हूँ बूटस्ट्रैप 4 और सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे रख देता हूँ और डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे जो है एक अपना कार्ड के अंदर फॉर्म जो है दोस्तों यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ सिंपली, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लॉग इन फॉर्म टाइटल वो भी चेंज करता हूँ, डीएवी, और यहाँ पे दोस्तों जो है क्लास उसके अंदर कार्ड, और यहाँ पे दूसरा कार्ड दोस्तों यहाँ पे क्लास के अंदर कार्ड हेडर, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो है हेडर के बाद बॉडी, और यहाँ पे दोस्तों तीसरा जो है फुटर, शायद कुछ ऐसे ही आएगा इसका। सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक और डीएवी ले लेते हैं क्लास के अंदर, रो टैग में यहाँ पे दे देता हूँ सिंपली रो क्लास, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे एक और डीएवी क्लास जो है दोस्तों कॉल एलजी या 4 ऐसा कुछ यहाँ पे देता हूँ, और ये जो है दोस्तों सेंटर के अंदर मैं लेके जाता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे अभी शो होगा। प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ पीएचपी आर्टिजन सर्व के कमांड से, कुछ ऐसे कमांड लगेगा, और दोस्तों यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 8000 पोर्ट पे लारावेल का प्रोजेक्ट और एडमिन हमारा यूआरएल, तो कुछ ऐसे यहाँ पे दोस्तों रन होगा। तो ये रन होते ही दोस्तों यहाँ पे कुछ हमको सेंटर में लेना है, इसको एम्प्टीफाई कर दे रहा हूँ मैं, ऊपर से थोड़ा मार्जिन चला आएगा, ये हुआ। और दोस्तों ये जो है एक और डीए में यहाँ पे कॉल ऑफसेट कर रहा हूँ मैं, ऑफसेट 3 या 4 कुछ ऐसा यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है पूरा सेंटर में आ चुका है, और हेडर के अंदर लॉग इन फॉर्म, ठीक है, कुछ ऐसा, और दोस्तों यहाँ पे जो है बॉडी के अंदर, यहाँ पे दोस्तों सिंपली फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म के अंदर एक्शन मेथड दोस्तों यहाँ पे पोस्ट रहेगा मेरा, और टोकन जो है दोस्तों @CSRF टोकन, और एक्शंस के अंदर दोस्तों यहाँ पे राउट के अंदर एडमिन डॉट लॉगिन ऐसा कुछ यहाँ पे मैं फायर कर रहा हूँ। इसके पहले दोस्तों यहाँ पे मैं लेबल के अंदर ईमेल इनपुट के अंदर टेक्स्ट, और यहाँ पे दोस्तों ईमेल जो है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास फॉर्म कंट्रोल, ये किया हमने। और दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पे मैं डीएवी एक और ले रहा हूँ, डीएवी क्लास फॉर्म ग्रुप, ये वाला क्लास, और यहाँ पे दोस्तों जो ये हमारा ये दोनों हो गया, और इसके बाद ईमेल के बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड टाइप और नेम जो है दोनों यहाँ पे हमने दे दिया, और तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पे सबमिट बटन हमारा यहाँ पे आ चुका है। डिज़ाइन करके यहाँ पे दोस्तों एक बार रिलोड करते हैं। एडमिन लॉगिन जो है ये राउट दोस्तों यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो राउट यहाँ पे दोस्तों हमको रखना पड़ेगा। पोस्ट मेथड और नेम के लिए एडमिन लॉगिन ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पे मैं फायर करता हूँ, और सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक जो है लॉगिन कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और यहाँ पे दोस्तों जो है लॉगिन चेक ऐसा कुछ यहाँ पे मैं चेक जो है लगा दे रहा हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं करता हूँ, पीएचपी आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर, और यहाँ पे दोस्तों लॉगिन कंट्रोलर जो है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लॉगिन कंट्रोलर। वापस दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है मैं रन कर रहा हूँ,
लॉगिन कंट्रोल बनाने के लिए। ये हमारा लॉगिन कंट्रोल हो जाने के बाद जो है हमको नेम स्पेस यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा यूज़ करके लॉगिन कंट्रोलर। और दोस्तों यहाँ पे जो है लॉगिन चेक फंक्शंस रिक्वेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट। और दोस्तों ये जो है यहाँ पे डॉलर डॉलर 30 और दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट। और सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट आपको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं शायद इसका जो है पूरा यहाँ पे। और दोस्तों ये जो है इसके अंदर रिक्वेस्ट हमारा वेरिएबल ईमेल। और यहाँ पे दोस्तों जो है रिक्वायर्ड। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है पासवर्ड, पासवर्ड के लिए और ईमेल दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा आएगा, ईमेल ही रहना चाहिए। तो ये हमारा वैलिडेशन दोस्तों यहाँ पे हमने लगाया। वैलिडेशन के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, तो वो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ @error और ईमेल पी टैग के अंदर क्लास टेक्स्ट टेक्स्ट डेंजर डॉलर मैसेजेस मैसेज। और यहाँ पे दोस्तों जो है एंड एरर ऐसा कुछ यहाँ पे करना है आपको। पासवर्ड के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है पासवर्ड की जो पूरा यहाँ पे देना है वो भी हमको इतना कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं एक बार रिलोड करके। देखिए यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ और ईमेल और पासवर्ड का एरर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं हम, और इसके अंदर जो है दोस्तों आपको यहाँ पे कंडीशंस के अंदर ऑथ कॉलन कॉलन अटेम्प्ट, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है ईमेल, और ईमेल जो है आपको यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट, और इसके अंदर ईमेल आपको यहाँ पे मिलेगा और गेट करके आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड के लिए दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है सिंपली। और जैसे दोस्तों यहाँ पे लॉगिन होता है डॉलर रिटर्न रिडायरेक्ट, यहाँ पे दोस्तों मैं डैशबोर्ड करके एक और जो है राउट बना देता हूँ डैशबोर्ड। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे लॉगिन होता है डैशबोर्ड के राउट पे जो है दोस्तों यहाँ पे चला जाएगा। तो एक व्यू बना देता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं डैशबोर्ड करके dashboard.blad.php, ये हमारा व्यू। और दोस्तों यहाँ पे जो है व्यू के अंदर नेम के अंदर दोस्तों यहाँ पे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड को दोस्तों हम जो है यहाँ पे कुछ ऐसे जो है ओपन करेंगे, एक बार देख लेते हैं। ओपन करके स्लैश करके डैशबोर्ड करते हैं, डैशबोर्ड दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा जो है शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, डैशबोर्ड दोस्तों यहाँ पे ओपन हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ही डैशबोर्ड अगर ओपन होता है तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक जो है पूरा फॉर्म लगा देता हूँ, और इसके बीच में दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ ऐसा तरीका यहाँ पे मैं करता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे सिंपली दोस्तों जो है एक पी टैग के अंदर हाय, और दोस्तों यहाँ पे जो है ऑथ जैसे ही हमारा बनता है ऑथ कॉलन नेम, यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे जो है आएगा हमारा कुछ लाइक ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार लॉगिन करके एक बार ट्राई करते हैं अभी डैशबोर्ड में क्या आ रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो है नवजक का एरर जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ मैं सिंपली कि अगर मुझे ऑथ जो है चेक मिलता है तभी यहाँ पे आना चाहिए।
यहाँ पे दोस्तों ऑथ चेक हमको मिला, और जैसे ऑथ चेक मिलता है तभी दोस्तों यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है डैशबोर्ड और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है लॉगिन अपना फॉर्म जो है एडमिन के लिए हमने बनाया था वो हम यहाँ पे वापस ओपन कर रहे हैं एडमिन करके। ठीक है, तो ये हुआ, सबमिट किया, और जैसे दोस्तों यहाँ पे admin@gmail.com में डालता हूँ और पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे 123456 सबमिट किया दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दोस्तों अपना राउट ओके, यहाँ पे ऑथ का जो है यूज़ हमने यहाँ पे नहीं किया था वो यहाँ पे आ रहा है उसका एरर, उसको फिक्स करते हैं। देखिए हाय धर्मेश, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नेम जो था हमने यहाँ पे डाला था धर्मेश करके वो भी यहाँ पे आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो है धर्मेश करके डाला था, और यहाँ पे मेरा ईमेल दोस्तों यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, योर ईमेल इज ईमेल करके कुछ ऐसे, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ईमेल भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लाइक आपको यहाँ पे कुछ अगर जैसे लॉगिन होते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों चीज़ जो है कुछ ऐसे यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कुछ देखिए मेरा ईमेल जो है दोस्तों वो भी यहाँ पे आ चुका है, और दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो है एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लॉगआउट का जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ बना देता हूँ मैं लॉगआउट के लिए भी। जैसे ये लॉगआउट होता है दोनों चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लॉगआउट के लिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली राउट बनाता हूँ और उसका जो है स्लैश लॉगआउट डायरेक्टली कर देता हूँ लॉगआउट। ठीक है, और लॉगआउट के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रिंट करके एक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए लॉगआउट का बटन भी आ चुका है, और लॉगआउट के लिए दोस्तों यहाँ पर राउट जो है गेट मेथड, और यहाँ पे लॉगआउट जैसे ही फायर होता है दोस्तों फंक्शंस डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे मैं लॉगआउट ही कर देता हूँ। और डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे जो है एडमिन का जो राउट है वो भी यहाँ पे मैं ओपन कर दे रहा हूँ, रिटर्न रिडायरेक्ट URL, और यहाँ पे दोस्तों जो है एडमिन URL पे जाएगा वो, और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे एडमिन URL पे जाएगा और auth :: logout यूज़ करके auth करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों यूज auth, ये हो जाने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ और वापस दोस्तों यहाँ पे logout पे क्लिक करता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है auth नहीं चलेगा। उसको मैं आगे स्लैश कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए कुछ ऐसे लॉगआउट किया दोस्तों डायरेक्टली रिडायरेक्ट ओके रिडायरेक्ट URL, और URL शायद कुछ ऐसा जो है दोस्तों यहाँ पे एडमिन शायद यहाँ पे दोस्तों एडमिन करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा URL शायद ये जो है। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों जो है वापस अपना URL जो है दोस्तों यहाँ पे आ चुका है admin@gmail.com करता हूँ वापस। देखिए यहाँ पे अभी दोस्तों मैं डैशबोर्ड अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लॉगआउट का बटन मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए admin@gmail.com और 126 पासवर्ड, जैसे ही लॉगिन किया सबमिट किया दोस्तों यहाँ पे मेरा ईमेल और मेरा जो नेम है वो यहाँ पे आ चुका है, मतलब अपना जो लॉगिन है दोस्तों यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। इसको मैं लॉगआउट करता हूँ दोस्तों तो वापस जो है एडमिन की तरफ चला जाता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा हुआ है उसका पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ सिंपली, देखिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड रख दिया है, और दोस्तों ये जो ईमेल है उससे मैं एक बार वापस लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ। सबमिट किया दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे देखिए नेम जो है दोस्तों यहाँ पे ये वाला नेम और ईमेल दोस्तों यहाँ पे ये जो है ईमेल
तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो लॉगिन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया जी मोंगो डीबी का, यहाँ पे डाल के मोंगो डीबी का डेटाबेस का सेटअप करके माइग्रेशन रन करके सीडर के थ्रू एंट्री करके दोस्तों, और यहाँ पे लॉगिन में आपको पूरा उसका ऑथ अटेम्प्ट दिखाया, यूज़र मॉडल में प्रॉपरली उसका ऑथेंटिकेशन जो है कैसे सेटअप करते हैं वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो आप जो है दोस्तों कुछ ऐसे जो है मोंगो डीबी का डेटाबेस यूज़ करके ऑथेंटिकेशन लारेल में कुछ ऐसे जो है यहाँ पे दोस्तों आप कर सकते हैं जैसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। इसका रिलेटेड दोस्तों जितनी भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।